Very good morning, class third. I hope all are you very well. Now study our chapter number 12. English की जो book आपकी है, इसके chapter number 12 हम discuss करेंगे, continue हम करेंगे इस chapter number 12 को. Rules of the room. Chapter 12 का room है अपना. Rules of the road. सड़क पर चलने के नियम. कल हमने डिस्कस किया था कि सड़क पे चलने की क्या क्या नियम होते हैं. लाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, क्या नहीं होता है उसका, ये सब हमने डिस्कस किया था. इसके बॉडी मीनिंग हमने डिस्कस कर लिए थे. सो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे. आज डिस्कस करने वाले कंप्लीट दीज सेंटेंस एंड कंप्लीट दीज स्पेलिंग्स. ओके, कंप्लीट सेंटेंस करेंगे एंड कंप्लीट दीज स्पेलिंग्स करेंगे. आज हम सो स्टार्ट. ओपन योर रीडर नोटबुक, राइट डाउन exercise for madam. Read this lesson. This lesson. Read this lesson and complete the sentence. And complete these sentences. आपको चैप्टर को रीड करना है और उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑन द रोड. जो रोड होती है वो हमेशा क्या होता है, उसके ऊपर हमेशा खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग चल रहे हैं, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, तो ये पता नहीं होता कि कौन किस तरीके से व्हीकल्स चला रहा है. तो हमेशा जो ऑलवेज रोड होती है उस पे हमेशा क्या खतरा होता है, खतरा मंडरा रहा होता है. नाउ सेकंड इज वी शुड फॉलो the rules. We should follow the rules of the road. 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 Rules of the road too. आगे आएगा, इसमें आगे फिल करेंगे हम. एंड बी सेफ, एंड बी सेफ. अगर हम सड़क पे चलने वाले नियमों का पालन करेंगे तो हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे. क्या रहेंगे, हम सेफ रहेंगे. सो आंसर इज, आंसर क्या फिल किया हमने, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड. सॉरी, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द टू the right
right hand to the left. हमें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पूरे क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों तरफ तरफ देखना जरूरी होता है। तभी हमें क्या करनी चाहिए, रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्या पता कहीं से निकल आ रहा हो, कहीं से कुछ आ रहा हो, हमें दोनों तरफ देख के क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करना चाहिए। तो देखना कहाँ है आपको, व्हेन वी क्रॉस द रोड वी शुड सी द राइट एंड द लेफ्ट, दोनों तरफ हमें देखना है। फोन नंबर येलो येलो लाइट मींस, हमने कल लाइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि येलो एंड रेड एंड ग्रीन। रेड का मींस क्या होता है, स्टॉप। येलो का मींस क्या होता है, गेट रेडी। और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो हमने तीनों लाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हम देखेंगे कि येलो लाइट का मीन पूछा है हमसे, येलो लाइट का मीन पूछा तो येलो लाइट का मीन क्या हो सकता है, क्या होता है, गेट रेडी। हमने पढ़ा था क्या होता है, गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। गेट रेडी मींस क्या होता है, तैयार हो जाओ। येलो लाइट मींस गेट रेडी यानी तैयार हो जाना। कौन सी लाइट में तैयार हो जाना है, येलो लाइट में। और रेड लाइट में क्या होना है, रुकना है। और ग्रीन लाइट में क्या करना है, आपको जाना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। यस क्लास, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज complete the spellings of the following words. Fourth exercise in your book. Complete the spellings. Complete the spellings of the following complete the line of point words. First is the second is C dash L dash U R. Third is C and fourth is four. आपको complete spelling से आपको four words दी रखे हैं। अब इसे आपको क्या करना है, complete करना है। आपने एक chapter लिख लिया, आपके chapter में से ही complete spelling words। तो हम क्या करेंगे इधर, spelling कैसे complete करेंगे, D A N G R। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उसे तो पता होगा कि हमें क्या फील करना है, कौन सा लेटर फील करना है, जिससे स्पेलिंग क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। तो डी ए एन जी यू आर डेंजरस होता है, खतरा। सी ओ एल ओ यू आर कलर, कलर मींस क्या होता है, मतलब ग्रीन की कलर से होता है ना, रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड ग्रे पर्पल, तो ये क्या होते हैं, हमारे कलर होते हैं। तो सी ओ एल ओ यू नेक्स्ट इज सी डैश ई ए डैश C and E A R clear. C and E A R clear. And next is P dash L dash C P M L. P O N I C P M L. Police man. Police man को होता है सिपाही। जो कहाँ खड़ा होता है, ट्रैफिक लाइट्स में जब हम जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स में कौन खड़ा होता है, पुलिस मैन खड़ा होता है। देखा है ना आपने भी। Now complete this exercise. Exercise number आपका है थर्ड एंड फिफ्थ एंड थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस के लिए। आपको दोनों एक्सरसाइज अभी रोड बुक में और बुक में दोनों में क्या करना है, फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।